Welcome to Dental College Azamgarh, a place where theory meets practical. Here, you will witness our state-of-the-art facilities. Our experienced faculty ensures that you receive the best education possible. Inclusive and diverse learning environment fosters collaboration. Our state-of-the-art central and digital libraries, a gateway to the world of knowledge, our everyday heroes. So come and join us. Be the difference. The world needs you. खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां पुलिस अधीक्षक श्री हेमराज मीना की अध्यक्षता में रिजर्व पुलिस लाइन के सभागार में साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें साइबर क्राइम थाना रानी की सराय की टीम ने अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को साइबर हेल्पलाइन 1930 और वेबसाइट cybercrime.gov.in के बारे में जानकारी दी और साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए। सहायक पुलिस अधीक्षक श्री अनंत चंद्रशेखर ने बताया कि साइबर सुरक्षा के प्रचार के लिए पुलिस ने 8,000 पंपलेट और स्टीकर सार्वजनिक स्थानों पर लगाए हैं और थानों द्वारा 10,000 पोस्टर वितरित कर 1,00,000 से अधिक लोगों को जागरूक किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने साइबर अपराध से निपटने के तकनीकी पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया। अंत में अपर पुलिस अधीक्षक श्री विवेक त्रिपाठी ने धन्यवाद ज्ञापन देते हुए बताया कि पुलिस सोशल मीडिया और नुक्कड़ नाटक के जरिए भी साइबर जागरूकता फैला रही है। सहायक पुलिस अधीक्षक श्री अनंत चंद्रशेखर ने बताया कि साइबर सुरक्षा के प्रचार के लिए पुलिस ने 8,000 पंपलेट और स्टीकर सार्वजनिक स्थानों पर लगाए हैं और थानों द्वारा 10,000 पोस्टर वितरित कर 1,00,000 से अधिक लोगों को जागरूक किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने साइबर अपराध से निपटने के तकनीकी पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया। अंत में अपर पुलिस अधीक्षक श्री विवेक त्रिपाठी ने धन्यवाद ज्ञापन देते हुए बताया कि पुलिस सोशल मीडिया और नुक्कड़ नाटक के जरिए भी साइबर जागरूकता फैला रही है। शाला का आयोजन किया गया है, उसमें क्या क्या बताया गया? देखिए, आप सभी को जानकारी है कि आज की डेट में जो एक आम आदमी है और जो कि अपना बैंक में अकाउंट रखता है और इसके अलावा पुलिस के लिए भी एक तरीके से जो सबसे बड़ा जो आज के डेट में चैलेंज है वो है साइबर क्राइम। और इसको लेकर जो अक्टूबर माह में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के रूप में इसको मनाया जा रहा है और इसमें आज जनपद के जो हमारे सभी जो थाने हैं साइबर थाना और इसके अलावा सभी थानों पे जो साइबर हेल्प डेस्क बनाया गया है, इन सभी के कर्मचारियों को बुला के और आज उनको विस्तृत रूप से साइबर क्राइम को रोकने के लिए किस तरीके से अगर कोई घटना होती है या कोई कंप्लेनेंट थाने पर आता है तो क्या प्रक्रिया अपनानी है और किस तरीके से उसका तत्काल वहाँ पे थाने पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद में और जो साइबर हेल्प डेस्क जो बना हुआ है नेशनल लेवल पे और जो हमारी साइबर क्राइम की जो वेबसाइट है उस पे जो पोर्टल है उस पे जो फैसिलिटीज है उसके बारे में किस तरीके से उनका उपयोग करते हुए अकाउंट का फ्रीज कराना, इसके अलावा जो अकाउंट है फेक अकाउंट जिनको यूज किया जा रहा है साइबर में उन अकाउंट्स के बारे में डिटेल्स कैसे प्राप्त की जाती है, इसके अलावा जो मोबाइल है उसको कैसे ब्लॉक कराना है, इन सब चीज़ों के बारे में एक विस्तृत कार्यशाला का आयोजन यहाँ पे आज पुलिस सभागार में किया गया था जिसमें थानों के सभी हमारे साइबर क्राइम को रोकने के लिए जो साइबर हेल्प डेस्क पर नियुक्त हमारे जो महिला कांस्टेबल, पुरुष कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और इसके अलावा जो सीओ जो क्राइम है एसपी क्राइम और इसके अलावा जो साइबर थाने की जो हमारी पूरी टीम है उसको यहाँ पे बुलाया गया था और इनको डिटेल में पोर्टल पे कैसे काम करना है, कोई व्यक्ति अगर आता है तो जो 1930 जो एक साइबर हेल्प डेस्क के नाम से एक नंबर जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उसके उसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं और किस तरीके से उसको लोगों को लाभ मिल सकता है, इन सब चीज़ों की विस्तृत रूप से यहाँ पे जानकारी दी गई थी और सभी लोगों ने इसमें काफ़ी इंटरेस्ट के साथ में ट्रेनिंग यहाँ पे लिया है और जिन लोगों ने पूर्व में अच्छी रिकवरी कराई है और जो जो बड़े साइबर क्राइम के जो मामले थे उन लोगों के अकाउंट फ्रीज करा के अकाउंट होल्ड करा के और उनके पैसे जो रिटर्न कराए थे उसमें से करीब 25 जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको इसमें पुरस्कृत भी किया गया था और आगे भी जो लोग अच्छा काम करेंगे उनके उनको उनको प्रशस्ति पत्र वगैरह दिया जाएगा। साथ ही साथ सब लोगों को बताया गया कि कोई व्यक्ति यदि थाने पर जाता है या साइबर थाने में जाता है तो सबसे पहला काम है कि जाते ही सबसे पहले उसकी जो भी कंप्लेनेंट जो कंप्लेन लेके आता है उसको वहाँ पर रजिस्टर करना है, वहाँ पर एक रजिस्टर रखा गया है
और उसके बाद में चूंकि जितनी भी साइबर हेल्प डेस्क है थानों पे, वो एक तरीके से जो साइबर थाना है जनपद का, उसका एक्सटेंशन है, तो ये आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ में सब लोग काम करेंगे, और आगे आने वाले टाइम में जितने भी इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, जो डेली मतलब जो ऑन एन एवरेज यहाँ पे जनपद में एक एनालिसिस किया गया, तो 20 से 25 कंप्लेंट यहाँ पे डेली आ रही है, और हम लोग इसमें पूरी तरीके से हमारी जो टीम है उसको इस चीज़ के चैलेंज के लिए तैयार कर रहे हैं कि ये लोग जो साइबर क्राइम है उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसमें अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करें, और ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजें जो कि एक आम आदमी और एक जो मेहनत का व्यक्ति है, उसकी जो मेहनत की कमाई है उसको दूर बैठे बैठे उनके अकाउंट से वो लोग निकाल ले रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई करने के लिए।